इस वीडियो में हम आपको साल 2000 से लेकर 2004 के बीच की उन पांच बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सुपरहिट होने के साथ साथ कमाई में भी सबसे आगे रही थीं। तो आइए जानते हैं उन पांच फिल्मों के बारे में। नंबर पांच पर मूवी है वीर जारा। साल 2004 की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म वीर जारा किसे याद नहीं है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन की ट्रेडमार्क माने जाने वाली इस फिल्म में भारत पाकिस्तान के संघर्ष की पृष्ठभूमि के साथ ही वीर प्रताप सिंह और जारा हयात खान की कहानी को सबसे खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, किरण खेर, दिव्या दत्ता, वोमन ईरानी और अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। योर ऑनर, वो आपसे कह रहा है कि मैं वीर प्रताप सिंह हूँ, एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों पर भी लोग फिदा हो गए थे। सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां यहां। लोगों के बीच ये फिल्म आज भी काफी मशहूर है। वहीं वीर जारा मूवी से जुड़े अदर फैक्ट की बात करें तो मूल रूप से इस फिल्म का नाम ये कहां आ गए हम रखा गया था। यह टाइटल यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के हिट गाने से लिया गया था जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। लेकिन यश चोपड़ा को लगा कि वीर जारा नाम इस लव स्टोरी को अलग ही फील देगा, इसलिए इस मूवी का नाम वीर जारा रख लिया। फिल्म में पाकिस्तान में जारा खान की सफ़ेद हवेली किसे याद नहीं होगी, जिसमें पॉपुलर सॉन्ग जानम देख लो मिट गई दूरियां भी शूट किया गया था। दरअसल ये हरियाणा के गुड़गांव में दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी का पैलेस था जिसमें ये मूवी शूट की गई थी। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने फिल्म की कहानी लिखी है जो वैसे तो मुख्य तौर पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और हर टचिंग डायलॉग को आज तक कोई भूल नहीं सका है। जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा, ऐसा शख्स जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तानी हूँ और वो एक हिंदुस्तानी। यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए दिवंगत म्यूजिशियन मदन मोहन की धुनों का इस्तेमाल किया है। चोपड़ा का मानना था कि मदन जी की कंपोजिशन उस युग के बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएगी जिसमें फिल्म की कहानी एक्चुअल तरीके से सेट की गई थी। इसलिए संगीतकार मदन मोहन की क्रिएटिव ट्यून को लगभग 30 साल बाद हम सब ने एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए सुना था। फिल्म के अलग अलग मूड के हिसाब से कौन सी धुन, ट्यून, गाना और वोकल फिट होगा, फिल्म को सूट करेगा, यह देखने के लिए करीब 35 धुनों का परीक्षण किया गया था जिसमें आदित्य चोपड़ा ने कुल 11 धुनों को सिलेक्ट किया था। फिल्म में रानी मुखर्जी ने सामिया सिद्दीकी का रोल निभाया है जो रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील असमा जागीर से प्रेरित है। मेरे अब्बू के कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे जब तक वीर प्रताप सिंह को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका मुल्क वापस नहीं मिल जाता। शुरुआत में ये रोल ऐश्वर्य राय बच्चन को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद यह धमाकेदार फिल्म रानी मुखर्जी की झोली में जा गिरी। बात करें फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से रिलीज किया गया था और फिल्म के ज्यादातर गाने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने गाए थे। वीर जारा मूवी कुछ उन भारतीय फिल्मों में से एक है जिसका म्यूजिक ऑफिशियली गानों और बैकग्राउंड स्कोर की वजह से ओरिजिनल ट्यून्स के साथ रिलीज किया गया था। वहीं बात करें वीर जारा मूवी के बजट और कलेक्शन की तो इस फिल्म का बजट था 26 करोड़ और इसने बिजनेस किया था 100 करोड़ रुपए का। नंबर चार पर मूवी है कोई मिल गया। इस मूवी के जरिए बॉलीवुड को ऋतिक रोशन के रूप में पहला हीरो मिला था। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था, खासकर बच्चों के लिए ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। ये साल 2003 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ प्रीति जिंटा नजर आई थीं। 2003 में रिलीज हुई ये मूवी ऋतिक रोशन के करियर के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है। इसे हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म माना जाता है जिसमें अंतरिक्ष से आए किसी प्राणी के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। फिल्म में ऋतिक के किरदार रोहित मेहरा की माँ का किरदार एक पढ़ी लिखी और आधुनिक महिला का था।
फिर राकेश ने एक दिन रेखा को बुलाया और फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन तब तक राकेश ने रेखा को ये नहीं बताया था कि उन्हें कौन सा रोल ऑफर किया जा रहा है। लेकिन बातों ही बातों में रेखा समझ गई और उन्होंने कहा था कि वे माँ का रोल करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रेखा ने राकेश रोशन को रोहित के पिता का रोल करने का भी सुझाव दिया था। कोई मिल गया का रोहित मेहरा का रोल उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि फिल्म की डिमांड के हिसाब से रोहित के कैरेक्टर का वजन कम था, इसलिए ऋतिक रोशन को वेट लॉस करना था, लेकिन इतनी जल्दी यह संभव नहीं था। इसके लिए ऋतिक रोशन को ढीले ढाले कपड़े पहनाए गए थे, साथ ही साथ हेयर स्टाइल भी बदली गई थी। बात करें इस मूवी के बजट और कलेक्शन की, तो इस मूवी का बजट था 25 करोड़ और इसने बिजनेस किया था 86 करोड़ रुपये का। नंबर 3 पर मूवी है राज। डीनो मौर्या और बिपाशा बसु की यह फिल्म साल 2002 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म के साथ साथ इसके सारे गाने भी लोगों के बीच काफी सुपर हिट हुए थे। प्यार में हम संवरने लगे, देख के मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया। ये एक रोमांटिक हॉरर फिल्म थी जो अपने नए कॉन्सेप्ट की वजह से खूब चर्चा में रही थी। ये मूवी साल 2002 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। उस साल नंबर 1 पर शाहरुख खान की देवदास मूवी थी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस फिल्म में लीड हीरो डीनो मौर्या जरूर थे, लेकिन फिल्म में बिपाशा बसु की दमदार एक्टिंग सभी को पसंद आई थी। आपको बता दें कि यह अजनबी मूवी के बाद बिपाशा बसु की दूसरी बॉलीवुड फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इसके लिए बिपाशा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, साथ ही इस फिल्म ने उस साल काफ़ी अवार्ड भी अपने नाम किए थे। वहीं बात करें इस मूवी की कहानी को लेकर, तो इस राज फिल्म की कहानी साल 2000 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म व्हाट लाइज बीनीथ की कहानी पर आधारित है। बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो उस साल इस फिल्म का म्यूजिक सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। फिल्म का म्यूजिक फेमस म्यूजिशियन नदीम श्रवण ने दिया था। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी। फिल्म के सभी गाने उस साल नंबर 1 पोजीशन पर रहे। बात करें इस फिल्म की कुल लागत की, तो करीब 5,25,00,000 रुपए में बनी इस फिल्म ने पूरे भारत में 21,46,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। इसके अलावा फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 36 करोड़ रुपए हुआ था, जो आज 2023 के हिसाब से देखें तो फिल्म का एडजस्टेड कलेक्शन लगभग 123 करोड़ रुपए बनता है। अब जानते हैं नंबर 1 मूवी के बारे में। तो नंबर 1 पर मूवी है कहो ना प्यार है। साल 2000 में आई ये मूवी उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही ये मूवी छा गई थी। इसी फिल्म से ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। जनवरी 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी, डायलॉग, गाने और एक्टिंग सब कुछ इतना शानदार था कि आज भी ये मूवी सभी को पसंद है। ये फिल्म 21वीं सदी में बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने अपनी सफलता से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। फिल्म कहो ना प्यार है का नाम साल 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इसकी वजह ये रही कि फिल्म पूरी दुनिया में सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी थी। इस मूवी ने अपने रिलीज के बाद 92 अवार्ड जीते थे। ये मूवी 21वीं सदी की बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को रातों रात पूरे देश के दिलों की धड़कन बना दिया था। ऋतिक रोशन को इस फिल्म के बाद करीब शादी के लिए 30,000 रिश्ते आए थे, लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद ही ऋतिक रोशन ने सुजन खान से शादी करके सभी का दिल तोड़ दिया था। फिल्म कहो ना प्यार है इतनी बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी कि इस पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र रही। अंडरवर्ल्ड के कुछ डॉन इस सुपरहिट मूवी से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा चाहते थे। ऐसा ना करने पर राकेश रोशन पर हमला भी हुआ था। राकेश रोशन पर उनके ऑफिस में ही 2 गोलियां चलवाई गईं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बच गए थे। बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म का म्यूजिक इतना शानदार था कि आज भी फैन को इसके सारे गाने याद हैं। इस फिल्म के गानों को म्यूजिक दिया ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन ने। साल 2000 में कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को पीछे छोड़ते हुए कहो ना प्यार है के 1 करोड़ म्यूजिक एल्बम
और कैसेट बिक गए थे। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। बात करें इस मूवी के बजट और कलेक्शन की, तो कहो ना प्यारे का बजट था 10 करोड़ और इसने बिजनेस किया था 80 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना साल 2000 से लेकर 2004 के बीच की उन बेहतरीन 5 फिल्मों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।